श्री राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, कृष्ण बोल रे, पिन कछु अर्थ सरयो जाय समुद्र परयो परि विधि पूरन नद राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि आप सुनाई थी।
नंददास जी की रास पंचाध्यायी है, नंददास जी का भ्रमर गीत, नंददास जी की रसिकों की भाव की लीला है, अद्वितीय है। और आपको पता है नंददास जी कौन थे? नंददास जी गोस्वामी जी के छोटे भाई थे, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी के भाई थे। तुमने निकाले तो हमारे राम जी को छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? वो चोर के यहाँ जा रहे हो? तो बोले चोर चोर है, तभी तो उसने मेरा मन को चुरा लिया, मैं उन्हीं के पास में जाऊंगा, तुम तो अपने राम जी को देख लो, मैं उनको देख लो। नंददास जी गोस्वामी तुलसीदास जी के भाई थे, ये उन्हीं के पद्य है, नंददास की प्याली तड़पने कछु अर्थ सरे और जाए सब। अब ये कथा की वस्तु है, बहुत विलंब हो जाएगा, लीला बहुत बड़ी है, ठाकुर जी को झूला झूला नहीं है। आज जाति का बंजारा है, और बंजारा क्या काम करते हैं? व्यापार करते हैं, व्यापार करने के लिए निकल जाते हैं। श्री राधा नंदगांव में ऊपर महल में बैठी हैं, ऊंचे ऊंचे महल, बरसाने के भी ऊंचे महल हैं, नंद बाबा के महल भी कोई कम नहीं है। अभी तो भावना जी की बातें हैं, वहाँ ऊपर बैठी हैं और बरसाने की ओर देखने लगी, तो बरसाने की ओर से जब वायु आई तो उस वायु में उन्हें लगा कि कहीं मेरा भाई ना आ रहा हो, याद आ रही है उन्हें अपने पियर की। श्री राधा रानी नंदालय में नंद भवन में ऊपर बैठी है और ये बंजारे जा रहे हैं, निकल करके दिल्ली की ओर से आए और बरसाने जा रहे हैं। और देखो जब बंजारो मैया की सुधी आई, श्री राधा ऊपर से देखो, सखियन कहो सुनाई, सखी यह बनजारो वीरन आयो। कहा बात है सखी, आज मुको अपनी मैया की बहुत याद आ रही है, परंतु ये कहा सामने देखो सखी, एक बंजारो आ रहे है और ये बंजारो मुको बरसाने को ही लगे है। सखियों तुम या बंजारे के समीप जाओ और मेरे समीप लेवा लाओ, या बंजारे सु कहियो कि ये मेरी श्रीदामा भैया सो जाए के कहे कि उनकी बहन नंदगांव में निवास करे है, फिर वह बहन को वह बरसाने क्यों नहीं लामे है, वह मुको क्यों भूल गई है। जाओ
सुनी राधा प्रिय सखी तुरते नहीं गुना कहो बंजारे जाए। अरे भैया बंजारे, अरे माम संग लाली सुना। राम राम भैया। राम राम बहना, राम राम बहन। भैया मुख तो ऐसा लगे तू बरसाने को है। अरे बहन तेने ठीक ही जानो, मैं बरसाने को रह बेवारो हूँ। बरसाने को है ना? हाँ, बरसाने तू काव को जाने बरसाने में। अरे जब मैं रहूं बरसाने में हूँ तो भलो कौन को ना जानू, सब को जानू हूँ। भैया तू बरसाने में ब्रसवान जी को जाने है। अरे बाबरी लाली, उनको कौन नहीं जाने है, वो तो ब्रजमंडल के राजा है। राजा तो भैया उनकी जो बेटी है श्री राधा, वे आपको मेलन में बुला रही है। बहन राधा मुझको मेलन में बुला रही है? हाँ भैया। अरे जरूर चलूंगा। चल लाली कहाँ है? आ जा भैया मैं ले। बहन राधा कुशल तो है ना? अच्छा भैया बंजारी राम राम। बहन मैं तो को राम राम करूं। राम राम बहना, राम राम बहन। कहा भैया तू मेरी बाबा को जाने है? हाँ बहन मैं बाबा को जानू हूँ, और उनको कौन नहीं जाने है, तुम्हारे बाबा ब्रजमंडल के राजा हैं और हम तो उनकी प्रजा हैं। तो भैया बंजारे तू मेरी भैया को भली प्रकार सो जान तो होएगो, वा भैया सो मेरो एक संदेश हो जाए कि कह दियो। अबस परंतु बहना तू रो क्यों रही है, कहा बात है, रोयो ना करे, जो तो को कहनो है मोको बता दे। मैं भैया श्रीदामा सो और रानी कीरत जी सो और ब्रिश्वान जी सो तेरी वह बात को जाए कहूंगो। कहा बात है, बोल बहन। घोषण गढ़ सबने अपनी अपनी बहन बेटीन को हिडोलो गढ़वाए लियो है और अपनी बहन बेटीन को बुलाए लियो है, परंतु मेरे भैया ने मुक्कु क्यों विसार दियो है, वह मेरी सुध क्यों भूल गए हैं, वह लेवी मुक्कु क्यों नहीं आई भैया। मुक्कु मैया की बहुत याद आवे है, वे भैया को भेज के मुक्कु बरसाने क्यों नहीं बुलामे हैं। भैया जब सुधी आवे मोही मैया के Yeah.
भैया बंजारे, बेना मैं तुझसे सत्य कह रही हूँ। जब मुको अपने मैया के लाड़ की सुध आवे है, तब मैं सांस होने ही ले सकूं हूं। और मेरे भैया सो मेरी यही प्रार्थना करियो कि वह शीघ्रता सो आए के मुको यहां सो ले जाए। और वो कछु कहनो है बहन? हाँ, घोषण गढ़त हिड़ो गोप सतन के मैं पी हर पूरी कहो बिसरी बहन बेटी को हिडोलो गढ़वाई दियो है, पर मैं तो अपने घर की हरी पूरी घर की हूँ। मेरी मैया के यहाँ तो काऊ बात की कमी नहीं है, परंतु वाने मुक्कु क्यों विसार दियो है? वाने मुक्कु क्यों नहीं बुलायो? कहा बात है बहन? इतनी जब सोधी आवे मोहि मैया के लाड़ की सब भर सकूं ना, समझी बार बार समझामू हूं कि अवश्य ही मेरो भैया आवेगो और मुकु यहां से ले जावेगो। और जो जो अषाढ़ के दिन घटे हैं तो ही तो मेरी भूकू घटती चली जाए है। मैं तुसु सत्य कह रही हूं, हाय हाय विधाता न जाने कब बरसाने के उन रूखन के मुख को दर्शन करावेगो। ऐसे ही कहियो तेरे वीर लदे जो जैसे मैंने तुसु कही है वैसे ही मेरी मैया सो जाए के कह दियो और वह श्री दामा भैया को भेज दी अपनी प्यारी लड़ेती राधा को यहां सो ले जाए। बहन तू चिंता मत करे, मैं आज
तुम्हारे घर पहुंच के तुम्हारे या दुखों मैयासो बाबासो भैया श्रीदामासो अवश्य जाके सुनाऊंगो। अपने घर पीछे जाऊंगो, पहले तेरी बात को सुनावे को तेरे घर जाऊंगो। ठीक है भैया। आज ही मासो रथ चढ़ी आवे सकल समाज में, कब देखूंगी ये सोनी लागे रे सब सृष्टि रे सकल समाज पुले की रथ पे चढ़ के मेरी समीप मुकु लेवे के लिए आवेगो, कब मैं वाकी दर्शन कर पाऊंगी। और भैया मैं तुसु सत्य कह रही हूँ, बिना माई जाए भैया के बिना मुकु संसार में कछु अच्छो नहीं लगे है। साची कह रही है बहना, साची हाँ। कह रही है। ठीक है बहन, मैं जा रही हूँ। और वो कछु कहनो है? अरे लालियो, तुमको हूँ कछु खबर पहुँचा नहीं है अपने अपने घर भैया बन जा। लाली तो को पहुँचा नहीं है। हाँ भैया बन जा रहे। हाँ रे, मेरे घर जाके कह दीजो। कैसे? मोको काम की याद आ रही है। तो जब मोको काम की याद आवे तो मेरे आंसू ना रुके भैया। ना रुकते होंगे तू भैया अपने... बाबा ने मोको क्यों बुला दिया भैया, वो तो रो रो आवे भैया। उन तो जो कह दीजो मुकु एक बार कैसे बुला ले, वहां जाके मैं सब देख लूंगी। पे यही मारे तो तू को ना बुला रहे हैं वो भैया, एक बार सब... बुला ले वो कैसे करके। जब तू वहां रहो करेगी ना तो रोज की लड़ो करेगी, अब तू जाएगी तो फिर वो लड़ेगी ना, तो ना, तेरे या स्वभाव है देख के वो तू को बुला में ही ना आए। ना भैया एक बार बुला ले फिर देख लूंगी मैं। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छो बहन राधा, राम राम बहना। अरे लालियो, राम राम। राम राम भैया। राम राम छोरियो। कीरत रानी जू। कौन है? तुम्हारे गांव को रहवे वारो छोटो सो एक बंजारो है माँ। बंजारो? हाँ माँ। बंजारो कैसे आयो भैया? मैं प्रणाम करूँ। प्रसन्न रहे, कैसी आयो है? अरे माँ। हाँ बेटा। ही मत, आज मैं कहा बात है गई? अपने सामान को सहरे सो बेच तो भयो नंदगाम आ गयो हो। फिर तो वहाँ नंदगाम में मोकू राधा ने देख लियो। कहा कहीं बेटा, तो राधा मिली? मिली माँ मिली। कहा कहीं बेटी ने? अपने दुख को सुना रही ही माँ, कह रही ही बहन राधा कि मोकू तो मेरे माँ बाप भूल के बैठे है, मेरो भैया हूँ मोकू भूल के बैठो है। सवन ने अपनी अपनी बेटी अपने घर बुलाए लई और सवन को चूल्हा डरवा दिए, परंतु मेरे माँ बाप मोकू नहीं बुला रहे हैं। अरे माँ, तुम्हारे दो चार लाली तो है ना, एक राधा ही तो है और सबकी लाडली भी है, तू वह राधा को क्यों ना बुला रही है? यहाँ कहा बात है, ऐसो कहा राज को काम है गयो माँ। बेटा मैं श्रीधामा सु रोज कहूँ, अरे देख सावन को महीना लग गयो है बेटी, सावन ने अपनी बहन बेटी घर बुला ली है, तू राधा को जाए के लिया झूला झूल के यहाँ से चली जाएगी। पर श्रीधामा बेटा मेरी नेक नहीं सुने है न माने है, मुझसे कह दे कि हाँ मैं चलो जाऊंगो, फिर कहे कि थोड़ो सा राज्य को कार्य है वहां को करके जाऊंगो। ऐसे ही कहते कहते आज बाकू बहुत दिन रह गई, आधो सावन निकलो जाए है, आज तेरे हाथ में मेरी बेटी राधा ने संदेश भिजवा दियो। बहुत बढ़िया किया है बेटा। माँ राधा बहुत रो रही है माँ। मैं जानू, रोते रोते वह की आंख लाल पड़ रही है माँ।
राधा बहन को बुला ले माँ, मैं तेरे हाथ छोड़ू, बुला ले माँ। सो जाएगा बेटी बेटा धन राधा श्री राधा श्री राधा बेटी बेटा के दुख मासो ज्यादा कौन जान सके है। मेरी बेटी मुकु बहुत प्यारी है, मैं अपनी बेटी को कबू सपने में हूँ नहीं भूल सकू। माने ऐसा संदेश भिजवायो कि मैया मुकु भूल गई है, पर बेटी मैं तो कु भूले बीमारी नहीं हूँ। आज ही मैं श्रीधामा को नंदगाम भेजूंगी और राधा को बुलवाऊंगी, तू चिंता मत करे बेटा। तेने बढ़िया कियो ये संदेश आए के मुँह को सुनाई दियो, मैं बुलाऊ हूँ श्रीधामा को। अभी बुला माँ और अभी रथ ले के भेज दे नंदगाम। मैं अभी भेजू हूँ वाकु श्रीधामा। माँ श्री प्रणाम करूँ। हाँ प्रसन्न रहे बेटा। क्या बेटा श्रीधामा भैया प्रणाम। कहाँ गए प्रसन्न भैया प्रणाम करूँ। कहाँ रहे तू ये बता है भैया। मैं राजकार्य से बाहर गयो, आज्ञा करो। बाहर में जाए तेरो राजकाज, जबकि मैं राजकाज से बाहर गयो, ये काम कियो मैंने वो काम कियो, मुकु तेरी एक नहीं सुननी है। मेरी बेटी राधा ने बंजारे के हाथन संदेश भेजो है कि मैया मुकु भूल गई। अरे निर्दयी, अरे निष्ठुर, तू कैसो भैया है जो कि तुमको अपनी बहन की याद नहीं आवे है, और मुझसे कह दे कि मैं राजकाज में लग गया। अब नहीं सुनूंगी बेटा, बेटा मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। तू रथ को तैयार कर और रथ को लेके नंदगाम जा, और मेरी बेटी राधा को अब ही लेके आ। रुकवे को काम नहीं है वहां पे, ध्यान रखियो बेटा, कहीं रुकियो मतीना। आज ही मेरी बेटी राधा को लेके आ। मैं अभी जा रहा हूं और मैंने वाके लिए झूला के लिए बड़ी ही सुंदर रेशम की डोरी मंगा के रख ली है, और मैं सब व्यवस्था कर दी है वाके झूला के लिए। मैं अभी रथ लेके जा रहा हूं और शाम तक लेके आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। अच्छा तैयार कर, कहूं मत रुकियो, सीधा नंदगाम जाइयो बेटी की राधा को लेके। चले सीधामा रथ चढ़े नंदगाम को, एक कहो सखी ने आए पर सारे के आपके भैया श्रीधामा रथ पे चढ़ के आ रहे हैं। कहा कही सकी मेरे भैया आ रहे है। आ रहे हैं। कहा है मेरे भैया को वो आ रहे हैं भैया। जय जय श्री राम। आप तो मुकु ऐसे भूल गए जो कि आपने अब जाए कि मेरी सुध ली है। बहन कैसी बात कर रही है, मैं तुकु भूल गए हो? मैं तुकु एक क्षण के लिए नहीं भूले हो, मैं तुकु लेवे के लिए आया हूँ, रथ लेके आया हूँ, और शीघ्रता से चलो। कहा भैया आप मुकु लेवे के लिए आया? हाँ बहन राधा, तुकु लेवे के लिए आया हूँ, और मैंने तेरे झूला के लिए बड़ी ही सुंदर रेशम की डोरी मंगाई है। भैया
मैया की कुशलता सुना। मैया कुशल है, बाबा हु कुशल है। मेरी गैया कैसी है? गैया है तेरी, याद करती रहे गैया। अच्छा, अब मैया के समीप चल आ जा। मैया तुम पहले घर चलो। चलो हाँ आ जाओ। आए कहो सखी सुरक्षणी मैया बेटा श्री दामा। ओ श्री दामा। भैया मैं आपको प्रणाम करूं। प्रसन्न रहे। अरे तारी के तू कहा मारक को भूल के आज यहाँ चले आयो। देख तेरी बहन रात और दिन बरसाने की ओर देख देख के रोयो करी बिचारी। मैं आपको बहुत समझा भई परंतु ये रोयो करी, रोए रोए के अपनी आंख हु सुजाए लीनी है। अरे तारी के ऐसो कहा काम काज जो तू अपनी बहन को भूल गया? नहीं मैया ऐसो मत कहो, मैं नहीं भूलो राधा को, और मैं लेवे के लिए आयो हूँ और आज ही लेके जाऊंगा। मैया ने कही है कि शाम तक लेके आ जाइयो, रथ लेके आयो हूँ और आप विदा कर दो। आज लेके जाएगा? हाँ आज ही लेके जाऊंगा। ना बेटा आज तो नहीं जावेगा तू। अरे हारो थको आयो है, अपने विश्राम कर ले और बेटी भोजन कराए दे भैया को है, और प्रातः काल चलो जाइयो। मैं भोजन करके आए हैं? हाँ भोजन घरते करके आए, पानी मार्ग में पी के आए, भोजन कर भूखो आए हूँ सवेरे थे। हाँ बेटा भोजन कर, भोजन भूखो आयो। हाँ तो भैया भूखो ही चल, बड़ी जल्दी है तो जावेगी। कोई बात नहीं भोजन कर। हाँ भोजन कर बेटा, जल्दी कर लीजो। मेरी की परंपरा है भैया के लिए भोजन स्वयं करावे, स्वयं बनावे। सीधा माँ संतुष्ट भाई और मैया के समीप में ले गई, बिना आज्ञा लिए बिना कैसे जाएंगे? चलो बेटी राधा, तू जा रही है बेटी, तेरे बिना मेरो ये मन नहीं लगेगा, और ये घर तो सुनो सुनो दिखाई देगो तेरे बिना बेटी। और राधा कीजियो सुधियावन या घर की कीजियो सुधियावन या घर की। बेटी राधा, अरे तू तो मेरी प्राण जीवनी है, तेरे बिना मोकू कछु अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने मन की बात एक तोई सो तो कहूँ हूँ, अब तू चली जाएगी तो मैं अपने मन की बात कौन सो कहो करूँ। गोविंद डाड़ कहानी काते कहे हो और अंतर की। बेटी तू वहाँ जाके अपने संग की सहेली में संग की सखीन में जाके कहूँ मोको भूल मत जइयो। बेटी तू शीघ्रता से ही आ जइयो। ठीक है मैया, अपने मन की बात बाबा ते कह ली। बेटा श्री दामा मैया देख, अब तू बेटी राधा को ले जा और मैं कन्हैया को भेजूंगी। जब मैं कन्हैया को भेजू तभी राधा को भेज दीजो। ठीक है मैया, हमारे बाबा ब्रसभान ने कही है कि अपनी यशोदा मैया को बुला लियो, आप ही चलो, आप ही बाबा के संग झूला पे बैठ के दो झूठा ले लियो। अरे तारी के अम्मे का बड़ी बूढ़ी झूलूंगी हैं, चलो। ए मैया तुम अकेली रह जाओगी यहाँ घर में, तुम्हारो मनु ना लगेगो भैया। हाँ। सांची तो कह रो है, चलो चलो, चलो के संग पीछे आ जाएंगे।
सब जा रही हैं, तुम सब जा रही हैं। अरे तुम, मैं अकेली रह जाऊंगी। अरे कोई तो रुक जाओ। अकेली तो है बाबा, है वो ना। ओ मैया, अपने बेटा से कह दीजिए मेरे भरोसे ना रही। श्री राधा चली गई बरसाने। कन्हैया श्री राधा के बिना कहाँ रह सकते। मैया, ओ मैया। हाँ बेटा, आए गए हो कहाँ? मैया, राधा आई था मन। कहाँ है भैया? बेटी, भैया, बेटी मेरी। राधा, मैं तो बेटी रोज श्रीदामा सुख रही। अरे श्रीदामा, बेटी राधा को जाए के लिए परंतु वह नहीं सुन तो मेरी लाडली। मत रो बेटी, भैया बेटी आप अपनी कुशलता सुनाओ। बाबा कुशल तो है ना? हाँ मेरी लाडली, तेरे बाबा कुशल तो है। जब अथाई पे बैठ जाए हैं तो तेरी इतनी याद करो करे है बेटी, इतनी याद करो करे है। बैठे बैठे ही तेरी याद में उनके नेत्र सो अश्रुपात हो तो रहे है बेटी, इतनी याद करे है तेरे बाबा। पर मैं जाए कि उनको समझाऊं कि आप यह बेटी राधा की याद में क्यों अपने नेत्र सो आंसू बहा रहे हो। बेटी आवेगी सो मिल ली हो, ऐसे कह के मैं तेरे बाबा को धैर्य बधाऊं। बेटी मैया, मेरी गैया कैसी है? गैया तेरी ठीक है मेरी लाली। मैया मेरा हिडोला बजनी गाय को राखत के जैसे ताह जिमावती तुझे मावती वैसे। मैया एक बात बता। बेटी जैसे मैं अपनी गैया को खवायो करई ही अपने हाथों से चारी को, कहा तो अपने हाथों से वाक को चारों खवावे कि नहीं खवावे। अरे मेरी लाडली, बेटी कैसी बात करे है। मदनी गैया को जब मैं चारों डारवे जायो करूं, जैसे वाके सामने पहुंचू तो वो तेरी याद करे है। अच्छा। बहुत हाँ मतली गैया हूँ तेरी, बहुत अच्छी है और ठीक है बेटी। अब झूलन हित जाऊं मैं, मैया आज्ञा दे। मैया बेटी अब मैं झूल में जाऊंगी, मेरे हिडोलो कहाँ गड़वायो है। अरे बेटी झूल में जाएगी, अभी तो तू आई है और झूलवे की कह रही है घर चल। देख मैंने तेरे ताई नाना प्रकार के देख पकवान बनाए हैं, है ना? तो तू पकवान ना ना मिया, मैं तो झूल में जाऊंगी। सकल पारे बनाए मैंने तेरे ताई, गुना बनाए बहुत कछु बनायो है, है? बर्फी तू कछु खाए के चली जाती बेटी। मैया आए के खा लूंगी तो मैं झूल आऊं। सीतामा मैया मैं झूला पे भिजवा दियो जो बनायो है। हां वही भिजवा दो सीतामा। मैंने बहन राधा के लिए बड़ो ही सुंदर झूला डरवा दियो है। अम्मुआ की डारी ठीक है बेटी, जा रही है जल्दी आ जा। मैं जाऊं अम्मा की डारी ने सुनी। जहां राधा राधा गांव में था सुनवे को हम आवे, जहां राधा की चर्चा कीजिए ताप कम जान में। श्री राधा ही मेरी संपद, श्री राधे ही मेरी दंपत।
कन्हैया राधा के बिना कैसे रहेंगे? अब कोई ना कोई युक्ति तो करनी पड़ेगी। आए तो स्वामी श्यामा जू अपनी पियर को चली गई और यहाँ हम ठन ठन पाल मदन गोपाल रह गई। अब कहा करें, हम हुए झूला झूलनो ही, क्योंकि मैं तो श्यामा जू के बिना रह नहीं सकूं। प्राण प्रिया के दरस बिन मन अति रहत अधीर, दर्शन बिन और लाडली मुए उठत विरह के पीर। मैं कहा करूं, कोई उपाय करना पड़ेगा। वह मधुमंगल से पूछूं। अरे भैया मधुमंगल, मधुमंगल यहाँ तो है ही नहीं, कहा करूं मैं? बरसानी कुमारी जब देखो, जब देखो तब जन्म सफल कर देखो, तब जन्म सफल कर देखो। चलूं वहीं कोई उपाय सोचूंगा। सही होगी बात। एक के घर नव दुल्हन आए, एक के घर नव दुल्हन आए। मैंने सुनी है श्री राधा बरसाने आए गई हैं और मोते एक बड़ी भूल है गई। मैंने श्री राधा को अपने बेटा के ब्याह में नहीं बुलायो, कोई निमंत्रण नहीं दियो, चलूं मैं उनसे क्षमा मांग लूं। श्री राधा दर्शन करन सिधाय, जय ब्रसभानु दुलारी राधे, जय ब्रसभानु दुलारी राधे, जय कीरति सकुमारी, जय कीरति सकुमारी।
सखी काय को कानन में खा रही है? अरे सखियो हाँ किशोरी जी कहाँ है? पीतर महलन में बैठी भई है। किशोरी जी तू बता का बात महलन में? हाँ अरे ने उनते ने वो मिला दे ना काय को मिला दे तो यूं तो बता। अरे मो उनते बहुत जरूरी काम है। कहाँ जरूरी काम है हमें तो बता। अरे मैं उनते ही मिलना है तो आरे बताए बिना एक बात ना है। ए, मेरी सोच ना इतनी ठाड़ी है हमते मिल ले। अरे नहीं बता तो सही कहा बात है। और तुम हंसी करोगी? ना ना हंसी ना करेंगे ना। मो राधा ते ही मिलना है। राधा कहाँ है? ना ना पहले हमते मिल हमें बता कहा बात है जब भीतर जाइयो। शर्मा मत बता दे सखी। हाँ मैं श्री राधा ते क्षमा मांग भी आई हूँ। क्षमा भी आई है? हाँ तेने ऐसो कहाँ कर दियो जो तू क्षमा मांग भी का जाइए हमू तो पतो पड़े। हाँ जब राधा ते मिलो राधा आएगी। राधा मैं पाँव लगू तुम्हारे। श्री राधे। सखी हाँ हाँ आज तो तू बहुत दिनन में आई की मिली है। हाँ ऐसी बात है नहीं। अपनी कुशलता सुना और ये बता। हाँ तेरी छोरा को विवाह भयो कि नहीं? श्री राधे मैं बहुत कुशल हूँ। अच्छा। और यह कुशलता को आपको सुनाबे के लिए आई हूँ। मेरा हाँ। जो बिंदा त्रिपाठी हुई है ना। कौन? मेरो बिंदा त्रिपाठी छोरा जो है का। अच्छा हाँ वहाँ को मैंने ब्याह कर लियो। अच्छा हाँ ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात। प्रसन्नता की बात तो है पर मैं आपको ब्याह में ना बुला पाई मुझको क्षमा कर देंगे। ये तो हम कहना चाहेंगे तेने हम ब्याह में ना बुलाई। अरे चार बता से इनको लोभ कर गई मेरी सौत। अब आई अरे लोभ ना कर गई। और जब मैंने अपने छोरा को ब्याह करो तो सबसे पहले तू ही बुलाई है? अरे मैंने छोरा ते कहीं भी पहुंचे राधा जोरी निमंत्रण देवी पे ना गया मैं कहा करूंगा क्षमा कर दो ये भूल बोते है गई। कोई बात नहीं। हाँ सखियो क्षमा कर दे या कुछ। हाँ कर दो कर दो। अकेली आई अपनी बहू को संग न लाई। तू तो यहाँ अकेली आ गई है अपनी बहू को कहाँ छोड़ आई? बाग को मोड़ो तो दिखवा दे। हाँ हाँ मोह जरूर दिखाऊंगी। हाँ। मैंने कभी वह लेके आऊँ भी ना घर है वो। हाँ 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 अभी जाऊँ और अभी लेके आऊँ। हाँ, हाँ, यही मिली हूँ हम यही खाड़ी मैं जा रही हूँ लेके आऊँ बस ले वाला। हाँ जल्दी जा रही हूँ अभी लाऊ बस। हाँ मैं अभी आ रही हूँ। हाँ बस बन गयो काम जी सखी है ना यहाँ के छुरा को अभी ब्याह भयो है तो या तो पहले यहाँ के घर पहुँच के यहाँ की भगवान के सो जाऊं। और बहुत छदम धारण किए एक ते एक अनूप पर धरियो ना मैंने आज तक नव दुल्हन का रूप अब यव रूप बनाए लू चलू।